हमारी मांगे पूरी करो, 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 हमारे साथ साथ करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी साथ करो, हमारे साथ साथ करो, हमारे साथ साथ करो, आरएनपी हाय हाय, आरएनपी हाय हाय, आरएनपी हाय हाय, आरएनपी हाय हाय, आरएनपी कपड़ा हाय हाय, डीसी कपड़ा हाय हाय, डीसी कपड़ा हाय हाय, डीसी कपड़ा हाय हाय, आरएनपी हाय हाय, आरएनपी हाय, हमारे साथ साथ करो, हमारे साथ साथ करो, हमारे साथ साथ करो, हमारी मांगे पूरी करो, साथ साथ करो, हमारे साथ साथ करो, हमारे साथ साथ करो, आरएनपी हाय हाय, आरएनपी हाय हाय, आरएनपी हाय हाय। सर मैं लोला दर्द पूरा करने वाला हूँ, मेरा नाम है परवेज रसूल। सर हमारे गांव में आज से 60 साल मकाम से दर्द पूरा का जो रोड है वो आज से 60 साल 8 फुट था, आज भी 8 फुट है। मकामी लोगों ने इसकी जमीन आज से 20 साल पहले दी है, आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दिया है। हम 2016 से मांग कर रहे हैं, आज तक हमारा किसी ने नहीं सुना। तो अधिकारी गए आप इसके लिए? हम डीसी के पास गए, हम थक गए आरएनबी के पास, डीसी के पास, मगर आज तक उसने हमने उसको बहुत सारी रिक्वेस्ट की कि आप हमारे गाँव की कंडीशन देखो, ये गाँव क्यों रह गए इतना पीछे। तो उसने कहा मैं आऊंगा आऊंगा, आज तक नहीं आया। अभी आपकी डिमांड क्या है? सर हमारे जो डिमांड है नीरमाला है, हाजी माला है, घनेपुरा है, मातपुरा है, अगर पूरे लोलाब की गली कुछ में लैंडमाइज किया गया गली कुछ को, हमारा क्या कुछ होगा। ये तो 60 साल पहले एक डिस्पेंसरी थी, वो आज भी डिस्पेंसरी है, मकामी लोग हॉस्पिटल की मांग करें। 60 सालों में कभी डीसी को बड़ा दर्द पूरा नहीं आए, इसलिए हमारे गाँव के लोगों में नाराजगी पाई जाए। अगर हम बात करेंगे प्ले ग्राउंड की, तो हमारे गांव में प्ले ग्राउंड भी नहीं है, क्या करेंगे हम, किसको ये दास्तान सुनेंगे? दर्दपोरा की दर्द भरी दास्तान आज तक किसी ने भी नहीं सुनी। बैक टू विलेज 3 चल रहा है, कोई वहां पर आए? बैक टू विलेज में हम गए थे, हमने लिखवाया, हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, मगर उसमें भी हमने नजरअंदाज किया। तो हमारे जो गाँव है वो मैप में भी नहीं है। अगर हम किसी को लोकेशन देंगे अपनी गाँव की, हमारा गाँव गूगल पे भी नहीं निकल पाए, अब हम किसको सुनाएंगे ये दास्तान? जो मनरेगा स्कीम से क्या उसका कुछ फायदा नहीं मिल रहा? नहीं सर, हमें कोई फायदा नहीं है, हमें हमारे गाँव को कोई पूछता नहीं। थैंक यू।